कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव के लोग इन दिनों जल संरक्षण की तैयारियों में जुटे हैं। खास बात यह है कि ग्रामीण सरकारी योजनाओं का इंतजार करने की बजाय खुद ही इस काम में लग गए हैं। लक्ष्मीपुर गांव के खेतों में मेड़बंदी का काम तेजी से चल रहा है, ताकि पानी जब आए तो बहकर निकल न जाए। ये काम ग्रामीण खुद ही कर रहे हैं। गाँव में जल संरक्षण के लिए लोगों ने जल योजना के तहत जगह जगह खुदाई की है। ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन की ओर से भी पहल की गई। इसके बाद लोगों ने हालात में समझा और हाथों में कुदाल फावड़ा लेकर निकल पड़े। सुबह गतिक करते हैं 6 बजे से 10 बजे का अथी में, और शाम 3 बजे से फिर यही 5 डेली सब जुट करके एक साथ करते हैं। रात्रि में चौपाल हम लोग बैठा करते हैं, रात्रि में निर्णय लेते हैं कि हम लोग कौन सा काम करते हैं, अथी करना है कल, उसका निर्णय लेकर के सुबह में हम लोग काम कर लेते हैं। ये जिस तरह से सर मैंने बताते गए उस तरह से हम लोग करते जा रहे हैं। खुशी लग रहा है ना हम लोग को, बहुत खुशी लग रहा है और बहुत मतलब बदलाव आ रहा है। हम लोग को लग रहा है कि सर के बात पर हम लोग रह रहे हैं तो कुछ आने वाला दिन में मेरा गांव सड़क बन जाए। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने के लिए लक्ष्मीपुर गाँव के लोगों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो ग्रामीणों ने खुद से किए हैं, आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम दिखेंगे। देखिए अभी तो हम लोग गांव-गांव घूम रहे थे, लास्ट जनवरी से ही ये प्रयास कर रहे हैं, और आज लक्ष्मीपुर और कर्मागढ़ हम लोग गए थे और देखने में काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि ये गांव जो है अपने आप में खुद से काफ़ी चीज़ें करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं कि कुछ कुछ गाँव में खुद से TCB फील्ड बंड है ना, कूड़ेदान का निर्माण, साफ सफाई गाँव में जो सड़क है, सड़क के दोनों तरफ जो है पौधारोपण है ना, ये सब करने का गांव वाले प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा तो यही है कि गांव वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और हम लोग ऐसे, ये जो हम लोग के का प्रयास नहीं है, ग्रामीणों का ही प्रयास है, गांव वाले खुद से ही कर रहे हैं सब कुछ। तो वो नंबर कोई फिक्स नहीं है, फिर भी 50-60 गाँव के लोग हैं जो लोग जागरूक हो गए हैं, जो लोग अपने से कर रहे हैं। हम लोग अपने तरफ से कुछ नहीं, बस गाँव वालों से जाकर बातचीत करते हैं, जहाँ जो मदद हो सकती है सरकारी योजनाओं से या अदरवाइज। कोडरमा जिले में तकरीबन 50 गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। इसकी शुरुआत लक्ष्मीपुर गांव से हो चुकी है। कोडरमा से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए अमित की रिपोर्ट।